मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का ईवीएस। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 14 के कुछ टॉपिक्स को हमने पढ़ा था, तो आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है मीट फिश एंड वेजिटेबल आर कॉमनली ईटन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स मीट फिश और वेजिटेबल्स होता है ना, वो मीन्स पूरे वर्ल्ड में ही लोगों के द्वारा खाया जाता है। पीपल प्रिपेयर देम डिफरेंटली, लेकिन जो लोग होते हैं ना उसे अलग अलग तरह से बनाते हैं। राइस एंड फिश आर ट्रेडिशनल फेवरेट फूड ऑफ वेस्ट बंगाल। राइस और फिश क्या है? वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल फूड है। माछे भाते बंगाली, बंगाली मीन्स फिश एंड राइस मेक अ बंगाली। इन फिश और राइस से ही बंगाली बनते हैं। दे ऑल्सो लाइक संदेश पीठा एंड रसगुल्ला स्वीट। वो संदेश पीठा और रसगुल्ला स्वीट्स भी बहुत ही पसंद करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स एज फूड। वी ईट द रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स एंड वेजिटेबल। हम लोग क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, एज अ वेजिटेबल हम लोग प्लांट्स के रूट को भी खाते हैं। द न्यू शूट्स एंड द रूट्स ऑफ एस्पेरेगस आर यूज फॉर कुकिंग। और जो नए नए जो शूट्स होते हैं या फिर एस्पेरेगस का जो रूट होता है उसे भी हम लोग खाने में बनाते हैं। कैरेट रेडिश एंड बीट रूट आर रूट्स ऑफ प्लांट। कैरेट हो गया, रेडिश हो गया या फिर बीट रूट हो गया, ये क्या होते हैं? रूट्स होते हैं प्लांट के। आगे पढ़ते हैं। फूड इज़ ऑल्सो मेड आउट ऑफ फ्लावर्स ऑफ सर्टेन हर्ब्स एंड प्लांट। खाना और भी फ्लावर्स से बनता है कि उससे जो सर्टेन हर्ब्स जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसके फ्लावर से भी खाने को बनाया जाता है। बनाना एंड ड्रमस्टिक फ्लावर, जैसे केले का जो फूल होता है या फिर ड्रमस्टिक का जो फूल होता है, आर यूज फॉर कुकिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में इसको बनाया जाता है। मैनी इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑल्सो कुक द फ्लावर्स ऑफ कचनार। जो इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना, वो मीन्स कचनार के फूल को भी बनाते हैं या फिर पपाया का जो फूल होता है, पपीते का, उसको भी बनाते हैं। पोटैटो एंड जिंजर आर एक्चुअली द स्टेम्स ऑफ प्लांट विच ग्रो अंडर द ग्राउंड। और जो पोटैटो और जिंजर क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्चुअली स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के, जो कि ग्राउंड के अंदर ही ग्रो करते हैं। वी ईट द लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स लाइक स्पिनेच, कोरिएंडर, फेन्योग्रीक एंड मस्टर्ड। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स को भी खाते हैं, जैसे स्पिनेच मीन्स पालक हो गया, धनिया, मेथी, सरसों का साग। द ड्राइड लीव्स ऑफ टी प्लांट आर यूज टू मेक टी। और जो सूखी जो पत्तियाँ होती हैं टी प्लांट की, उसे हम लोग एज अ टी के रूप में यूज़ करते हैं। मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल्स आर फ्रूट्स ऑफ प्लांट। मैंगो, ऑरेंज और एप्पल्स क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के। राइस, वीट, पीज, कॉफ़ी एंड ओट्स क्या हैं? सीड्स होते हैं प्लांट के। ग्रीन ग्राम, बीन्स, बंगाल ग्राम एंड पीज आर ऑल्सो द सीड्स ऑफ प्लांट। ये भी क्या होते हैं? प्लांट्स के सीड्स होते हैं। सम पीपल ईट दीज सीड्स आफ्टर स्प्रॉटिंग देम। कुछ लोग तो इसे स्प्रॉट करके भी खाते हैं। सम पीपल ईट ओनली बॉइल्ड सीड, और कुछ लोग तो उबाल के ही बीज को खाते हैं। दीज आर होलसम फूड, ये क्या होते हैं? होलसम फूड्स होते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स टू प्रोवाइड अस अ वेराइटी ऑफ फूड। एनिमल्स रहते हैं, वो भी हमें बहुत सारे फूड्स के वैरायटी को देते हैं। वी गेट मिल्क एग्स मीट एंड हनी फ्रॉम एनिमल्स। हमें इनसे क्या मिलता है? मिल्क, एग्स, मीट और हनी एनिमल्स से हमें मिलता है। वी गेट एग्स फ्रॉम हेंस एंड डक्स, और हमें अंडे मिलते हैं हेंस से और डक्स से। सी एनिमल्स लाइक फिश, क्रैब, स्नेल्स, ऑयस्टर एंड अदर शेल फिश आर ऑल्सो कंज्यूम्ड एज फूड। जो समुद्री जानवर होते हैं ना, जैसे फिश हो गया, क्रैब, स्नेल, ऑयस्टर और भी बहुत सारे जो शेल फिश होते हैं, उससे भी हम लोग एज अ फूड खाते हैं। काउज, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। जो काउज, बफेलोज और गोट्स होते हैं, वो हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं।
पीपल ऑल्सो ईट फ्लैश ऑफ गोट एंड हैन, और जो लोग होते हैं वो मीन्स हैन और गोट के मांस को भी खाते हैं, फ्लैश को भी खाते हैं। मिल्क इज़ कॉमनली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, मिल्क जो है मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। पीपल मोस्टली ड्रिंक काउज मिल्क, लेकिन लोग क्या हैं ज़्यादा मीन्स जनरली कौन सा दूध पीते हैं, काउ का दूध पीते हैं, मीन्स गाय का दूध पीते हैं। मिल्क इज़ अ होलसम फूड, मिल्क क्या है, एक होलसम फूड है। इट इज़ गुड फॉर बोथ यंग एंड ओल्ड, ये सबके लिए मीन्स अच्छा होता है, यंग हो या फिर ओल्ड हो उसके लिए, दोनों के लिए ये अच्छा होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गोट मिल्क इज़ प्रिफर्ड टू काउ मिल्क, कुछ वर्ल्ड के जो कुछ पार्ट्स है जहाँ पे गोट के मिल्क को ज़्यादा मीन्स प्रेफरेंस दिया जाता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये मीन्स हड्डियों के लिए, ये मीन्स हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गोट मिल्क हैज़ ऑल्सो हैज़ लेस फैट, और जो गोट के मिल्क में क्या होता है बहुत कम फैट होता है। कैमल मिल्क इज़ अ फूड ऑफ डेजर्ट पीपल, और जो कैमल मिल्क होता है वो किसका फूड होता है, जो डेजर्ट में लोग रहते हैं उनका होता है। इट इज़ रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन, और ये क्या होता है फैट और प्रोटीन में बहुत ही रिच होता है। पीपल इन राजस्थान एंड अरेबियन कंट्रीज़ कंज्यूम कैमल मिल्क एंड मीट, राजस्थान के लोग होते हैं या फिर अरेबियन कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं, कैमल मिल्क एंड मीट। बफेलो मिल्क इज़ ऑल्सो कंज्यूम्ड बाई मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के द्वारा मीन्स भैंस का दूध भी पिया जाता है। इट इज़ अ वेरी थिक एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ फैट्स, ये क्या होता है बहुत ही थिक होता है और उसमें बहुत सारी मात्रा में मीन्स फैट्स होते हैं। पीपल इन कश्मीर तिब्बत नेपाल एंड भूटान कंज्यूम याक मिल्क, जो लोग होते हैं जैसे कश्मीर के, तिब्बत के, नेपाल के या फिर भूटान के, तो ये क्या कंज्यूम करते हैं, याक मिल्क कंज्यूम करते हैं। वी मेक चीज़ बटर एंड कर्ड फ्रॉम मिल्क, हम क्या बनाते हैं दूध से चीज़ बटर और कर्ड को भी बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट। फूड इज़ मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट, खाना जो है बहुत सारे सब्सटेंस, खाना जो है बहुत सारे सब्सटेंस से बना होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैव डिफरेंट रोल्स, तो बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनका अलग अलग रोल होता है। जैसे प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, प्रोटीन क्या करता है बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है हमें एनर्जी देता है। विटामिन और मिनरल्स क्या करता है बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। A diet which contain all the essential nutrient in proper amount is called a balanced diet. एक ऐसा डाइट जिसमें बहुत सारे जिन essential nutrients होते हैं लेकिन proper amount में, उसे हम लोग बोलते हैं balanced diet. We must also drink a lot of water. हमें बहुत सारी मात्रा में पानी भी पीना चाहिए. Balanced diet varies from people to people. Balanced diet क्या करता है varies करता है people to people. ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड फूड रिच इन प्रोटीन, जो मीन्स ग्रोइंग चिल्ड्रेन ना उनको ज़रूरत होती है ऐसे फूड की जो रिच होते हैं प्रोटीन में, जैसे पल्स वीट या फिर एग्स। न्यू बॉर्न बेबी नीड्स ओनली मिल्क एज इट इज़ अ कम्प्लीट फूड, और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए दूध ही सिर्फ काफ़ी होता है। ए पर्सन डूइंग फिजिकल वर्क फॉर मोर एनर्जी नीड्स मोर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा इंसान जो मीन्स फिजिकल वर्क करता है तो उसको एनर्जी के लिए बहुत सारी मात्रा में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। फिर बर्गर पिज़्ज़ा एंड कोलाज आर जंक फूड, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। बर्गर पिज़्ज़ा जो कोला वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं जंक फूड होते हैं, तो जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।